प्रशासन पर कार्रवाई ना करने का आरोप है और कार्रवाई ना होने के चलते परेशान हो गया था पूरा परिवार और फिर पलायन करने का फैसला किया। 7 अप्रैल को दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। देखिए 7 अप्रैल का ये पूरा मामला है जब दबंगों ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की थी। लाठी डंडों के साथ घुसे थे बदमाश और फिर जमकर वहां पर मारपीट हुई थी। परिवार के लोगों को पीटा गया था, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया था। वो तस्वीर और वो फुटेज भी हमने आपको पहले दिखाई थी, एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं कि किस कदर भू माफियाओं से परेशान होकर एक पूरे परिवार ने पलायन करने का फैसला किया। शर्मा गौशाला संचालक आज अपने परिवार के साथ पलायन कर रहा हूँ भू माफियाओं के डर से। 7/4/2019 को जो मेरी पत्नी के साथ मारपीट की गई थी उसमें कान का पर्दा फाड़ दिया था, सिर में टांके हैं और पैर में फ्रैक्चर है और कोई भी अधिकारी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और जो जांच अधिकारी दरोगा है वो कहता है कि सबूत लाओ, हमारे पे वीडियो एविडेंस होने के बाद भी हमसे कहता है कि सबूत लाओ और हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए हम घर छोड़ के पलायन कर रहे हैं। मैं विजय शर्मा गौशाला संचालक आज अपने परिवार के